गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग देखो नया थ्योरी देखने जा रहे हैं, बरोबर कि नहीं? पैट्रिक विल्सन टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। हम लोग ने जो लास्ट टाइम था 14 प्रिंसिपल्स, बरोबर कि नहीं, हेनरी फ्यूल का थ्योरी देखा था, बरोबर कि नहीं? मैंने आपको हेनरी फ्यूल का थ्योरी जो था, ओके, वो मैंने आपको सिखाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हेनरी फ्यूल्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये किया था, 14 प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल भी देखे थे हम लोग ने, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्कैलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव और प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेड द क्रॉप्स, ओके, टीम वर्क। तो इस तरह ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स है वो मैंने आपको बताए थे पूरे के पूरे, ठीक है? ओके ठीक है। तो अभी हम लोग जो है आज जो है आगे हम लोग जाएंगे प्रिंसिपल्स में। नेक्स्ट अपना जो ये 14 प्रिंसिपल्स होने के बाद जो नया अपना आ गया है वो फैट्रिक टेलर का, देखो फैट्रिक विल्सन टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। देखो फैट्रिक टेलर का 1856 से लेकर 1950 तक वॉज एन अमेरिकन हु स्टार्टेड हिज करियर एज अ मशीनिस्ट इन अ मिडवेल स्टील वर्क्स फिलाडेल्फिया, एंड ग्रेजुअली थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड प्रोग्रेस रोज द पोजिशन ऑफ अ चीफ इंजीनियर। ही इंट्रोड्यूस्ड हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा। टेलर्स अप्रोच टूवर्ड्स मैनेजमेंट इज टर्म एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। ही इज नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है? ओके, तो अभी देखो टेलर्स मैनेजमेंट थेरी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। दिस थेरी इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच एंड डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्विंग देम एट द सेम टाइम। अकॉर्डिंग टू टेलर्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व साइंटिफिक टेक्निक्स रैदर देन द रूल ऑफ थम एंड अ ट्रायल एंड एरर अप्रोच, ठीक है? तो डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फैट्रिक अप्रोच क्या बोल रहा है? साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग वॉट मेन टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। देखो ये थेरी बहुत कुछ, सॉरी ये डेफिनेशन बहुत कुछ कही जाती है। ये डेफिनेशन में क्या कहा गया है? साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या है? तो कंसिस्ट ऑफ नोइंग वॉट मेन टू डू एग्जैक्टली, मतलब मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या कर सकती है। मैनेजमेंट अपने यहाँ पे जो वर्कर्स रखे हैं उनसे वो एग्जैक्टली क्या करवा सकती है, उनकी हमेशा उनके ऊपर नजर होनी चाहिए। और वो लोग जो है, दैट इज अ मैनेजमेंट पर्सन, जो भी काम होगा वो बेस्ट एंड चिपेस्ट मैनर में होना चाहिए, बरे कि नहीं? देखो आज की ये जो सारे रूल्स जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं वो बनाए तो गए हैं और उसका एप्लीकेशन भी हुआ है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है जापान चीन, बरे कि नहीं? वहां की जो मैनेजमेंट है आज, नो डाउट सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स है जो जापान से आते, कोरिया से आते, चीन से आते, इनका यही मेन फंडा है कि वो जो मैनेजमेंट है वो अपने वर्कर से चीपेस्ट मैनर में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं, एंड देन दे ट्राई टू कैप्चर द होल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, बरे कि नहीं? मार्केट जो वर्ल्ड का मार्केट है वो लोग क्या करते हैं? कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। सी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें दीज प्रिंसिपल आर एज फॉलोज। फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थम। अभी ये फ्रेडरिक टेलर के जो है प्रिंसिपल से, उसमें सबसे पहले क्या कहा है? साइंस नॉट रूल ऑफ थम। देखो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी द रूल ऑफ थम मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विद द मेथड ऑफ डेवलप थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। रूल ऑफ थम डिसीजन आर बेस्ड ऑन अ पर्सनल जजमेंट ऑफ अ मैनेजर। टेलर इंसिस्टेड अपॉन साइंटिफिक मेथड ऑफ एवरी स्मॉल वर्क। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद सीइंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब।
एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर. दिस विल हेल्प इन अ सेविंग टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी एंड विल रिजल्ट इन टू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट. अकॉर्डिंग टू टेलर इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयर्न शीट्स इन टू बॉक्स कार्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान. ओके, अभी देखो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, पर उसके पहले आपको क्या करना है, ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बरे कि नहीं. ओके, तो ये आप लोग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है. ओके, नेक्स्ट देखो, पहला ये इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं. देखो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मींस व्हाट, कि देखो जो मैनेजर होते हैं, बरे कि नहीं, उनका काम क्या होता है मालूम है ना, हर एक काम को इस तरह प्लान करना या इस तरह बनाना है जिससे वो जो जॉब है उसी टाइम पे, मतलब टाइम मैनर में, टाइम फेज पे वो बन जाए, बरे कि नहीं, वो उनका मेन काम होना चाहिए. ओके, तो हर एक को आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक वर्कर को उतना टाइम देना पड़ेगा और उसी टाइम में वो जॉब कंप्लीट होना चाहिए. ओके, मतलब कैसे भी नहीं. और सेकेंडली कैसे होता है कि आपको हर एक वर्कर को एक प्लान मैनर में, कोई भी छोटा मोटा जो भी जॉब होगा वो एक टाइम मैनर में उतने टाइम में कंप्लीट करके लेना है, बरे कि नहीं. दैट इज कॉल्ड अ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. मतलब हर एक, हर जॉब को, हर आउटपुट को मैनेजर को डिफाइन करना है और उसको वो अपने तरीके से उसको टाइम फ्रेम में बिठाना है और वो आउटपुट उसको वहां से निकालना है. सेकेंड, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड. देखो हारमोनी मीन्स वॉट, कि देखो कैसे मन मना, हारमोनी का मतलब ही होता है कि हम लोग मिलजुल के काम करें. देखो कोई भी काम जब मिलजुल के होता है तो सही होता है, अगर आप मिलजुल के काम नहीं करोगे तो नहीं होगा. सी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ हारमोनी बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट. ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको बहुत कुछ बता जाती है, बराबर है. ओके, मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा उसका कहना क्या है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के अंदर कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, दोनों अपने जो डिजायर्ड गोल्स है उसकी तरफ क्या करना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए. व्हेन दे आर डूइंग देयर वर्क विद अ हार्मोनी, आपका जो गोल्स है वो जल्दी कंप्लीट होते हैं, आपको जल्दी सक्सेस मिल जाता है, बरे कि नहीं. बट व्हेन देयर इज नो हार्मोनी, अगर उसके अंदर हार्मोनी नहीं होगी, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो वो जॉब अच्छी तरह से नहीं होगा. नेक्स्ट, मेंटल रेवोल्यूशन. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो कैसे होता है मालूम है ना, हर एक पीरियड में, हर एक इरा में, हर एक टाइम फ्रेम में क्या हो जाता है मालूम है ना, मेंटल रेवोल्यूशन होते रहता है एंड द एवरी मैनेजमेंट मस्ट हैव टू बी एडॉप्टेड. देखिए इसका मतलब क्या होता है ये पहले समझ के ले लो. मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स व्हाट, मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि जब एक, मतलब जब नए वर्कर आते हैं, अभी देखो अगर हम लोग आज से 50 साल पहले के वर्कर्स देखेंगे और आज के वर्कर देखेंगे तो इनमें फर्क है. आज से 50 साल के जो वर्कर्स थे वो आईटीआई वाले थे, मतलब इंडिया का अगर हम लोग बात करेंगे, इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए बंदे लोग जो थे वो ज्यादा करके इंडस्ट्रीज में काम करते थे, ठीक है. पर आज के जो बंदे हैं वो भी वही इंजीनियरिंग, वही वर्कर का अगर आईटीआई का काम करते हैं, बट बाय विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. कि अभी यहाँ पे क्या हो गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आ गया अभी 50 साल के बाद, बरे कि नहीं. तो उनके हिसाब से जो है, सेकेंडली देखो 50 इयर्स पहले मोबाइल नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा वर्क मैन्युअल होता था, अब ऐसा नहीं है. अभी क्या मालूम है ना, आपके पास गूगल है, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिनटों में क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो. ओके ना, दैट इज कॉल्ड अ मेंटल इंट्रोडक्शन. सी, टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन. दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर. मैंने यही कहा कि देखो हर इरा में अपना क्या हो जाता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, बरे कि नहीं, और जो मैनेजमेंट होता है उनको, उनका जो नजरिया है देखने का एक दूसरे का, वो बदलते जाता है, बरे कि नहीं. बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दोनों इक्वल मतलब दोनों का इक्वल रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में. दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट. तो
ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्थ वन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. यस, देखो कैसे होता है, मतलब मैंने इसमें मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ क्रिकेट का. देखो जब कोई भी बंदा या कोई भी क्रिकेटर अपने बारे में सोचता है और अपनी सेंचुरीज के बारे में सोचता है तो टीम हार जाती है. बट व्हेन एवरी क्रिकेटर और एवरी टीम मेंबर, टीम जो होती है 11 मेंबर से बनी होती है, दे आर थिंकिंग अबाउट द टीम, एक टीम को सोचते अपना इंडिविजुअल स्कोर नहीं सोचते, बरगिने हाउ द टीम कैन विन, टीम कैसे जीतेगी ये जब सोचते हैं ना, तो वो जो टीम होती है वो क्या हो जाती है, वर्ल्ड चैंपियन हो जाती है. व्हाट आई एम सेइंग यू आर गेटिंग, वैसे ही है यहाँ पे. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑल पर्सन यूनाइटेडली जब काम करते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते, एक दूसरे पर विश्वास रख के काम करते, ट्रस्ट के साथ काम करते हैं, देन हम लोग क्या हो जाते हैं, आगे जाते हैं. तो ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए. तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस प्रिंसिपल इम्पासिस ऑन अ म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स दैट इज एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट. ड्यू टू कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एटसेट्रा, इंटरनल कॉम्पिटिशन विल टर्न इन टू हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट. ठीक है, तो हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, उसके बाद डिविजनल डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस, देखो हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए और उसका डिविजन होना चाहिए. अगर आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा तभी वो क्या कर सकता है, अपना काम अच्छी तरह से कर सकता है. बरे कि नहीं, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको पहले भी बता चुके हैं, नो डाउट हेनरी फेल में भी ये जो प्रिंसिपल था वो है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन मैनेजर और एम्प्लॉयज, हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए. एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने को पता चल जाती है तो अपनी अथॉरिटीज आ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क शुड बी ऑलवेज बी कंप्लाइंट विद द डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉयज. ओके, तो ये होना चाहिए. और सेकेंडली मैं ये भी वर्ड बता दूंगा, मैनेजर्स should be always help and encourage and guide the employees to help the best performance. Okay? तो ये division of responsibility. उसके बाद development of employer and employees of a greater efficiency and maximum prosperity. तो ये तो ऊपर भी हो गया है. देखो maximum prosperity मतलब कैसे, कि employee अगर अच्छा काम करते हैं तो organization जो है वो flourish होगा, organization जो है वो profitable होगा, ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगा. ठीक है, ओके. और एम्प्लॉयर जो है वो हमेशा एम्प्लॉयज के बारे में सोचना चाहिए. अगर एम्प्लॉयज खुश होंगे, उनको जो सारी चीजें चाहिए वो मिलती है, तो वो क्या करेंगे, जो अपना काम है वो बहुत अच्छी तरह से करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द स्किल एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. ठीक है, दस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू द एम्प्लॉयज whenever required. तो वही मैनेजमेंट का काम होता है. सेकेंड, ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन ग्रेटर इफिशियंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. ओके, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए. ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे अपने सिक्स प्रिंसिपल यहाँ पे है टोटल टेलर के. इसका फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थम, सेकेंड हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मेंटल रेवल्यूशन, कोऑपरेटिव नॉट इंडिविजुअलिज्म, डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर अ ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, ओके. उसके बाद हम लोग देखेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अभी ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या क्या टेक्निक्स हैं, किस तरह ये हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोग, मतलब जो टेलर है उसने बताए हैं. तो सबसे पहले वर्क स्टडी, मतलब सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले उसको स्टडी करो. वर्क स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है. बिफोर ऑर्गेनाइजिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्कफोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय मैनेजमेंट. वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ फंक्शंस. वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द टेक्निक्स सच एज अ टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटिक स्टडी. अभी देखो ये एक्चुअली जो है वो आपके ऊपर भी लागू हो जाता है. देखो आप स्टडी करते हो, पर सिर्फ स्टडी करते हो, मतलब पढ़ाई करते हो, बट यू आर नॉट डूइंग अ वर्क स्टडी. आप वर्क स्टडी नहीं करते हो, आप क्या करते हो, कोई भी काम करते हो, पर वो काम किस तरह करना चाहिए वो आपको पता नहीं है.
बरे कि नहीं। देखो यहाँ पे आपके लिए भी ये सब चालू हो जाता है, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब जो आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो टाइम फ्रेम में बिठाना चाहिए, बरे कि नहीं। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी बंदा ओनली 1 आवर स्टडी करे इज इनफ, बरे कि नहीं। पर आपको वो कंसिस्टेंटली उसी टाइम में बिठाना चाहिए, मैं इतना टाइम में ये पढ़ाई करूंगा, मतलब करूंगा। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी का मतलब क्या है, किस तरह करूंगा, कैसे करूंगा। मोशन मतलब, मोशन का मतलब होता है 6 सब्जेक्ट्स है, मैं उस 6 सब्जेक्ट्स को कैसे करूंगा, दैट इज अ मोशन स्टडी। मेथड स्टडी, कौन से मेथड से करूंगा, बाय हेड कब करूंगा, सम्स कब सॉल्व करूंगा, एग्जाम कब दूंगा, दैट इज अ मेथड स्टडी। फिर फटिक स्टडी, फटिक स्टडी का मतलब देखो, ये फटिक स्टडी का मतलब यही होता है कि देखो जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग को टेंशन आ जाता है, दिमाग सर दर्द करने लगता है, बरे कि नहीं। ये सारे फटिक स्टडीज है, तो ये फटिक अपने पास नहीं होना चाहिए, ये सब निकलना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या अप्लाई करें, सेम थिंग इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में भी यही होता है, टाइम स्टडी। देखो कोई भी आप काम करते हो तो वो टेक्निक्स होनी चाहिए, वो एम्प्लॉई उसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना होना चाहिए, बरे कि नहीं। कितने टाइम में वो काम पूरा होना चाहिए, पर्टिकुलर टास्क कैसे कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ टाइम स्टडी। ओके ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी मैं लिख के रखता हूँ। इट इज अ टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉयज टू कंप्लीट द गिवन टास्क। टास्क कंप्लीट होने का टाइम अपने को रिकॉर्ड करना चाहिए। सेकंड मेथड्स, सॉरी, देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बट चैलेंजिंग टास्क ऑफ अ मैनेजर। ओके, यहाँ से वेस्टेज ऑफ टाइम कम हो जाता है, रॉ मटेरियल की जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इट इज हेल्पफुल डिटरमाइनिंग द मेथड फॉर हैंडलिंग द रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज एसेट्रा। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब वो किस मोशन में जाएगा, मतलब मैं आपको इसका एग्जांपल सिंपल देता हूँ। देखो कैसा होता है, मतलब ना हर एक जॉब है ना एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं मोशन स्टडी। मतलब देखो अगर समझो फॉर एग्जांपल हम लोग कार में, कार के एक वर्क, कार में काम कर रहे हैं, तो देखो कैसा होता है मालूम है ना, आपको एक दूसरे से अपना काम चालू हो जाता है। या देखो मैं आपको मोशन स्टडी का बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ, डिस्कवरी पर फैक्ट्री मेड चालू होता है ना, वहां पे वो लोग दिखाते थे, बरे कि नहीं। सिंपल देखो, फॉर एग्जांपल अगर देखो पहले दूध बनता है, दूध निकलता है गाय, मतलब गाय से या भैंस का दूध में होता है, बरे कि नहीं। फिर उसके बाद सेकेंड क्या हो जाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, मतलब गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसमें से जो मलाई होती निकलती है, फिर उसमें से चीज बनता है, बरे कि नहीं। तो ये सारी प्रोसेस है, ये सारे मोशन से वो उसको अलग नहीं कर सकते। एक जॉब दूसरे से जुड़ा होना चाहिए और सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर वो सीक्वेंस में हो जाता है तो उसका रिजल्ट जो होता है वो बेटर आ जाता है। ठीक है, तो ये मोशन स्टडी हो गया। ठीक है, द स्टडी इज रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज एज वेल एज मशीन वाइल द कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर फटिक स्टडी मतलब जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशियंट ब्रेक्स, टारगेट प्रेशर्स, हैवी वर्किंग टूल्स एंड पुअर वर्किंग कंडीशन रिजल्ट इनटू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, दैट इज अ फटीक। मैंने वही कहा, बरे कि नहीं। फटीक का मतलब क्या होता है, अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है, बरे कि नहीं, जबरदस्ती आपसे काम करवा रहा है, तो आपको क्या आ जाता, टेंशन आ जाता है। ठीक है, पर मैं आप लोगों की जो स्टडी देख रहा हूँ उस हिसाब से मुझे तो पता चल रहा है आपको कोई टेंशन नहीं आ रहा है, मगर तुम्हारे आजू बाजू में जो लोग हैं उनको बहुत टेंशन आ रहा है, बरा रहे कि नहीं। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो ये फटिक स्टडी भी करना जरूरी है। क्योंकि अगर वर्कर में फटिक हो गया, मतलब वो उनको टेंशन आ गया, तो काम अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए ये स्टडी आपको रिड्यूस कर, मतलब ये स्टडी आपको करनी चाहिए ताकि उनका फटीक जो है वो रिड्यूस हो जाए, बरे कि नहीं। द स्टडी ऑफ फटिक्स एंड स्टेप्स रिड्यूस द लेवल ऑफ फटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। आप लोग क्या करते हो, जब आपको टेंशन आ जाता है तो आप लोग क्या करते हो, मोबाइल लेते हो, और मोबाइल लेके फिर आपका टेंशन कम हो जाता है व्हेन यू आर प्लेइंग द पबजी। पर अच्छा हुआ जो नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने वो पबजी निकाल दिया, अभी आपके मोबाइल में है कि नहीं मुझे पता नहीं। ओके, बट फटिक स्टडीज आर सो इम्पोर्टेंट। सेकंड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। ओके, देखो आपका टूल्स एंड, ये भी टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या, जिस टूल्स
या इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो मॉडर्न होने चाहिए, बरे कि ना, तभी क्वालिटी वर्क होगा। अगर आपका जो वर्क प्लेस है, आप जहां पे काम कर रहे हैं, बरे कि ना, उसकी जो मेथड्स है प्रोडक्शन का वो पुराना होगा, मशीनरी मेथड पुरानी होगी, आपका मटेरियल तो क्या होगा, स्पॉइलेज होगा, वेस्टेज ऑफ मटेरियल होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, बरे कि ना, वर्कर्स के अंदर फटीग होगा, या ये सारी चीजें हैं, समझ गए ना। तो इसीलिए आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्विपमेंट स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। ओके, देखो यहां से आपका आएगा टेलर्स एडवोकेट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, हेल्प टू, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड वन, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। यस, आपका साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब क्या, देखो साइंटिफिक वे से हर वर्कर को टास्क देना चाहिए। टास्क मतलब काम। देखो कैसा होता है मन में, आपको जब कोई ना एक काम देता है, टास्क देता है कि ये कंप्लीट करना है, तो आप बहुत मन लगा के काम करते हो, बरे कि नहीं। अब ओके, तो ये भी यहाँ पे भी फैक्ट्री में भी यही होता है, जब अपने वर्कर्स को आप टास्क देते हो कि इतने टाइम में इतना कंप्लीट होना चाहिए काम, बरे कि नहीं, ओके, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हो अपना जो रॉ मटेरियल्स और बाकी की जो चीजें हैं उनका, तो आपका काम क्या होता है, साइंटिफिक वे से होता है, अच्छी तरह से होता है, बराबर है। सो टेलर्स क्या बोल रहा है, देखो टेलर्स इम्पोजेस द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क। साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट एम्प्लॉयज फॉर डूइंग मच बिलो देयर कैपेसिटी, बराबर कि नहीं। ओके, थर्ड, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। देखो कोई भी काम जो होता है वो विदाउट ट्रेनिंग से कंप्लीट नहीं होता है, उनको साइंटिफिक वे से आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो उनको जॉब करने का, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा जॉब कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग। मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर। इट नीड्स टू फिक्स अ जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट। यही तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो आप लोग पढ़ाई करते हो, बरे कि नहीं। देखो आज जो पढ़ाई करते वो कल में आपको काम में आने वाली है, बरे कि नहीं। जब कल आपका सिलेक्शन होगा तो उस जॉब के लिए आप प्रॉपर तैयार होगी नहीं, ये आपके आज की स्टडी बताएगी। इसीलिए आपका सिलेक्शन और ट्रेनिंग जो है वो साइंटिफिक वे से होना चाहिए, वही राइट आदमी राइट पर्सन जो है वो राइट जॉब के लिए अपॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल। इन दिस कंसेप्ट टेलर प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। दैट मीन्स प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज बाय डिफरेंट पीपल। दस एवरी वर्कर विल बी सुपरवाइज बाय टू डिफरेंट सेट ऑफ सुपरवाइजर। ही रिकमेंडेड टोटल 8 फोरमैन टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोडक्शन। दे आर कैटेगराइज एज फॉलोज। मतलब देखो कोई आदमी प्लानिंग जो वर्क होता है वो कोई तो एक थर्ड पर्सन प्लानिंग करता है और आपके ऊपर नजर रखने वाले अलग होते हैं। तो टेलर के हिसाब से टोटल कितने लोग होते हैं, देखो मतलब जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए काम करने के लिए टोटल 8 वे से काम हो सकता है। देखो एट प्लानिंग वे रूट क्लर्क टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। इंस्ट्रक्शन क्लर्क्स रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिटरमाइंस टाइम इन ईच वर्क शुड बी कंप्लीटेड एंड वर्क आउट द कॉस्ट। डिसिप्लिन इंश्योर्स दैट द वर्कर्स आर वर्किंग एज पर फैक्ट्री रूल्स। बी एट अ इम्प्लीमेंटेशन लेवल। देखो जब काम होता है एक्चुअली काम होता है, गैंग बॉस एक्चुअली गेट्स द वर्क डन। स्पीड बॉस इंश्योर्स दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन अ स्पेसिफाइड टाइम। रिपेयर बॉस हैंडल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। इंस्पेक्टर इंश्योर्स दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। इसीलिए ये 8 जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, काम को मॉनिटराइज करते हैं, बराबर कि नहीं। तो इस तरह हम लोग सोच सकते हैं कि काम बराबर हो रहा है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू टेलर विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डिविजन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन टू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट कैन डेफिनेटली अचीव द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज, बराबर है। ओके, नेक्स्ट, फिर डिफरेंट पीस रेट वेज प्लान। हाँ, डिफरेंट पीस वेज रेट प्लान मतलब क्या होता है, देखो ये जो वर्कर लोग काम करते हैं ना इनको उनका मेहनताना भी मिलना चाहिए, बरे कि नहीं। तो वहां पे अलग अलग चीजें होती है। पीस वेज रेट सिस्टम मतलब कैसे होता है मालूम है ना, इसमें अगर आप आगे जाओगे तो आपको बहुत सारे टेक्निक्स पता होती है। मतलब कुछ लोग कैसे देते हैं, डेली वेजेस पे होते हैं, मतलब हर दिन का पगार होता है, कोई वीकली वेजेस होता है, कोई मंथली होता है,
कोई का, का, किसी फैक्ट्री में क्या होता है मालूम है ना, आप कितना प्रोडक्शन करते हैं उसके ऊपर आपके वेजेस होते हैं। तो ये अलग अलग वेजेस का प्लान होता है, उस हिसाब से आपको क्या करना है वो बनाना है। तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान। रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स इन सच ए वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन अ स्टैंडर्ड आउटपुट। बरोबर कि नहीं? बहुत सारी जगह पे क्या किया जाता है कि उनको ना पीस रेट पे दिया जाता है, मतलब उनको बताया जाता है कि आप इतना पीस रेट करोगे तो आपको इतना मिलेगा। जैसे समझो 100 अगर आप पीस करते हो तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा, फिर अगर 100 के ऊपर करते हो तो आपको डबल मिलेगा पगार। तो उनको वो लोग क्या करते हैं उस हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। ठीक है, टेलर सजेस्टेड द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। हायर रेट्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज हु कंप्लीटेड द वर्क मोर देन द स्टैंडर्ड क्वालिटी अंडर दिस सिस्टम। मतलब टाइम के में के अंदर जो काम पूरा करेगा ज्यादा से ज्यादा उसको ज्यादा पगार दो, बल्कि ना जो लेजी होगा उसको कम पगार दो। ठीक है, तो इस तरह टेलर ने ये सारे टेक्निक्स बनाए। तो देखो मेरे ख्याल से, मतलब मेरे हिसाब से ये जो टेक्निक्स है वो ज्यादा करके आते हैं एग्जाम में, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर के है। वर्क स्टडी भरे कि नहीं, जिसके अंदर टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटिक स्टडी, स्टैंडर्ड ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, फिर साइंटिफिक टास्क सेटिंग, साइंटिफिक सेलेक्शन एंड ट्रेनिंग, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंशियल पीस रेट एंड वेज प्लान। तो ये 6 जो है वो ज्यादा करके एग्जाम को आएंगे टेक्निक्स। ठीक है, तो इस तरह ये टॉपिक जो है वो अपना खत्म हो गया हेनरी मतलब इसका मैनेजमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अभी देखो क्या काम करना है, मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो जो ये आप लेक्चर, ये लास्ट लेक्चर था ये टॉपिक का, तो आपको ये जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी वो कंप्लीट करनी है। बरे कि नहीं? एक्सरसाइज जहाँ पे आपका सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, मैच द पेयर्स, क्योंकि ये मंथ में जो एग्जाम होगी इसमें ये सब आएगा। ठीक है, गिव द वर्ड फ्रेज टर्म्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सब लिख के निकालना है आपको। ओके, ये आपका होमवर्क होगा यहां तक। ओके, ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो हम लोग नेक्स्ट वीक से चालू करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी जो ये मेरा पहला टॉपिक खत्म हो गया है, बरेगी नहीं? ओके, तो ये टॉपिक आपको पहले करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, तो हेनरी फेल्स का प्रिंसिपल्स, बरोबर कि नहीं? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये ज्यादा करके एग्जाम में आ जाते हैं, उसको बाय ऐड करो। ठीक है, ये लेक्चर जो है मैंने आपको प्रिपेयर करके मैं आपको कल सेंड करूंगा, आपको ये सुनना है। इसके बाद मेरा मैं आपको आपके लिए लेक्चर रखूंगा मेरा। ठीक है, ये लेक्चर में मैं आपको ये टॉपिक, मतलब ये जो टॉपिक है वो कल के दिन में आपको करना है। कल मॉर्निंग को आपको ये लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये पूरा का पूरा सुनना है ठीक से, मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ लो। फिर इवनिंग को हम लोग एक शॉर्ट लेक्चर आधा घंटे का गूगल मीटिंग करेंगे, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा हर एक को। कल हम लोग क्वेश्चन सेक्शन रखेंगे, तो मुझे ये टॉपिक के ऊपर सारे क्वेश्चंस आपको देने हैं। उसमें मैं ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता हूँ, 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेल्स का जो मैनेजमेंट है वो पूछ सकता हूँ, 14 प्रिंसिपल्स, और टेलर के जो मेथड्स है बरे कि नहीं, टेक्निक्स है वो भी पूछ सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको करने हैं, बरे कि नहीं? सब चीजें बाय ऐड करनी है। ओके, और सब ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन होना चाहिए, जो ज्वाइन नहीं होगा उनके घर पे आपका फोन जाएगा। ओके, सो दिस लेक्चर इज कंप्लीटेड हियर।